हेलो फ्रेंड, आप बाइनेंस से रॉयल क्यू को कैसे कनेक्ट करें एपीआई के द्वारा। सबसे पहले हम रॉयल क्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। हम जानेंगे कि एपीआई क्या है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि दो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे आप ऊपर ऊपर स्क्रीन पे देखेंगे, होम पेज पे आपको एपीआई बाइंडिंग का एक ऑप्शन दिया जाता है। ये ऑप्शन जब आप माइन पे नीचे क्लिक करते हैं, माइन में क्लिक करने के बाद में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है एपीआई बाइंडिंग। दोनों सेम ऑप्शन है। आप यहाँ से माइन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एपीआई बाइंडिंग, या होम पेज पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एपीआई बाइंडिंग पे क्लिक किया तो रॉयल क्यू आपको तीन एक्सचेंज के साथ में बाइंडिंग की परमिशन देता है, बाइनेंस, हुबई एंड कॉइनबेस प्रो। तो आज हम बाइनेंस के साथ में बाइंडिंग की प्रोसेस जानेंगे। इसके लिए हमने बाइनेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखेंगे आईपी ग्रुप बाइंडिंग, जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आईपीज दिया जाता है, जो कि रॉयल क्यू के सर्वर्स की आईपीज हैं। यहाँ पे आपको एक कॉपी बटन दिया जाता है, जिसके द्वारा इन आईपीज को आप कॉपी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एपीआई की एंड सीक्रेट की का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है, जो कि आप बाइनेंस में जाके जनरेट करेंगे। इसके नीचे आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है, जो कि एक ओटीपी रहता है, आपके ईमेल पे आएगा। इसके बाद में इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनेंस को ओपन करेंगे। बाइनेंस को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे मोर का एक ऑप्शन मिलता है। आप मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो काफी सारे एप्लीकेशंस आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो अदर्स की एक कैटेगरी है, वहाँ को एपीआई मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। एपीआई मैनेजमेंट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है लेबल के लिए। तो यहाँ पे आप अपना जो जिस नाम से एपीआई क्रिएट करना चाहते हैं वो एक लेबल देंगे और क्रिएट एपीआई करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया रॉयल क्यू और क्रिएट एपीआई पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको पजल मैच करना है। इसके बाद में आपको फोन कोड और ईमेल कोड आपको सेंड करने हैं। जैसे हम फोन का कोड हम फीड करते हैं, इसके बाद में हम ईमेल में जाएंगे। जैसे कि हमने सिक्योरिटी कोड में सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए जो ओटीपीज हैं वो फीड किए हैं। इसके बाद में हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे की क्रिएटेड हो गया है। अब हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एक डाउन एरो का, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस एपीआई से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एक क्यूआर कोड है, तो इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम अपने रॉयल क्यू में आईपीज, ये जो सीक्रेट की एंड एपीआई कीज हैं वो फीड कर सकें। इसके बाद में ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एडिट का, हमें एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ परमिशंस यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एपीआई रिस्ट्रिक्शन है ये यहाँ पे आपको डिफाइन करने हैं। बाय डिफॉल्ट इनेबल रीडिंग का परमिशन जो रहता है वो इनेबल रहता है। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे कि हम रॉयल क्यू से जब कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ इस एपीआई पे इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन इनेबल करेंगे। बाकी ये जो भी जितने भी आपके विड्रॉल ऑप्शन है या जो भी ऑप्शंस हैं, इस पे किसी पे भी हम परमिशन नहीं देंगे रोबोट के लिए। इसके बाद में यहाँ पे आईपी रिस्ट्रिक्शन में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हमने जो कि रॉयल क्यू जो आईपीज प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे फीड करेंगे। तो जैसे कि हमने इनेबल एंड स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग के ऑप्शन को इनेबल किया है, बाकी कोई भी हमने इनेबल नहीं किया है। अब हम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज को हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आईपीज की इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम रॉयल क्यू से लेंगे। यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे और वापस हम बाइनेंस में आके यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करते हुए पेस्ट करेंगे और कन्फर्म करेंगे। तो ये जो डिटेल्स हैं आप देख पा रहे हैं, ये रॉयल क्यू के सर्वर्स की आईपीज हैं जिनको बाइनेंस परमिट करेगा एक्सेस के लिए। अब हमें यहाँ पे ऊपर सेव क्लिक करना है, जो पहले एडिट था अब सेव का बटन है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे हम गेट कोड करेंगे और यहाँ पे हम कोड फीड करेंगे। कोड देने के बाद में आप देखेंगे हमारा जो मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस था ये एडिट एपीआई सक्सेस हो गया है। अब हम इससे हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा बाइनेंस का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम रॉयल क्यू में जाएंगे वापस, और यहाँ पे एक आपको क्यूआर कोड स्कैनर ऑप्शन दिया जाता है, जिसको आप क्लिक करते हुए जो आपने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लिया है उसको एक्सेस करेंगे।
हम QR कोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे कि आपको फोटो एल्बम का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा आप अपने गैलरी एक्सेस करेंगे। जो हमने QR कोड का स्क्रीनशॉट लिया है उसको हम यहाँ से रीड करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं हमारी जो API कीज एंड सीक्रेट कीज हैं यहाँ पे फीड हो गई हैं। अब हम सेंड वेरिफिकेशन सेंड पे क्लिक करेंगे। OTP देने के बाद में नीचे आप जो आई रीड उस पर टिक करेंगे और इसको नीचे बाइंड पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप बाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बाइंडिंग है वो सक्सेसफुली हो जाता है और जो बाइनेंस का है वो ऑरेंज कलर में आपको विजिबल करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहले अनबाउंड था वो अभी बाउंड हो चुका है। तो इस प्रोसेस से आपका जो API बाइंडिंग है वो रॉयल क्यू और बाइनेंस के बीच में सक्सेसफुली हो चुका है। जब हम यहाँ पे क्वांटिटी पे नीचे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप बाइनेंस का आप बैलेंस चेक कर सकते हैं रिफ्रेश बटन को क्लिक करके। यहाँ पे अगर आपका बैलेंस विजिबल होता है इसका मतलब आपका बाइनेंस के साथ में रॉयल क्यू सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है API से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो।